सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के भुरकुंडा पतरातू क्षेत्र में राजकीय कैमरा के माध्यम से पहले देख ले राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीचे दौड़ा भुरकुंडा प्रखंड पतरातू रामगढ़ यह पतरातू प्रखंड पड़ता है। और बात करें तो शिक्षा का स्तर क्या है इसको लेकर आज TV45 ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आया है और पूरे मामले को लेकर देखेंगे सरकार के द्वारा जो पद्धति नई पद्धति शिक्षा को लेकर चलाई जा रही उसकी मुहिम कितना रंग लाती है आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूंगा। आप देखिए कि हालात बच्चे जो यहाँ पर 1 क्लास से लेकर 4 क्लास के बच्चे जो कि 11 क्लास हो जाते हैं बच्चे प्राइमरी से लेकर यहाँ बच्चे बैठे हुए और बच्चों से सीधा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उनके साथ क्या लग रहा है पढ़ाई होता है पीछे आते हैं ये भी बढ़िया आता है चलो नहीं आता है क्या नाम है पढ़ाई होता है स्कूल में किसी बच्चों को मिला खाना मिलता है यहाँ पर क्या मिलता है खाना आज का नहीं नहीं पता है ना क्या नाम होता है किस बात को होती है क्लास का बच्चा है उसका वीडियो के बारे में इतना जानकारी नहीं है और भी अन्य अन्य बच्चे इनसे जानते हैं और किस क्लास का क्या नाम है यहाँ पर माध्यम बोलते हैं बच्चे तो क्या मिलता है ना सलमान पढ़ते क्यों क्या करते हैं जिस जगह बच्चे पढ़ाई कर रहे या फोन पूरी तरीके से जर्जर होता जा रहा है ये कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख ले फोन की जो स्थिति है काफी जर्जर है और प्लास्टर भी जो है प्लास्टर भी कवर्डा सुन हो गया तो ऐसे में कर सकते हैं प्लास्टर के हम देख लें यहाँ पर नन्हे मुन्हे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 1 क्लास से लेकर 4th क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे की बात करें शिक्षा को लेकर बात करें तो एक बड़ी बहुत बड़ी पैमानी होगी कि शिक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कई तरह की मुहिम चलाया जा रहा है और बिल्डिंग को सुंदर बच्चों के लिए दिया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल में बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है अच्छी बिल्डिंग अच्छी फैसिलिटी लेकिन सरकारी विद्यालय में ये अभी कमियां नजर आ रही मैडम मैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है मैं कहीं देना चाहिए बिल्कुल भारत के यहाँ से शुरू भी चल रहा है और जो पाठ्य पुस्तक से है सारा पढ़ाई तो हो रही है आपको भी लिखा होगा आप बच्चों से पूछे तो आपको बच्चों ने क्या जानकारी दी ये तो हमने भी देखा आपने भी देखा
बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, लेकिन बिल्डिंग की क्या हालत है? लेकिन अभी जो आप लोग पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर देखा जरा क्लास में थर्ड क्लास पढ़ रही है, बच्चे तो दीवार से दूर है, दीवार के नजदीक तो है नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो दीवार लगा फटा हुआ टाइप का दिख रहा है, वो तो प्लास्टर काम लगा हुआ है, प्लास्टर हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, लेकिन कम या बिल्डिंग का लग रहा है। इस क्लास को पढ़ा देखती है कर्मचारी है, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्डिंग के जो हालात है कैमरे में सब कुछ बयां कर रखा है कि पूरी तरीके से बिल्डिंग जर्जर ब्लास्ट हो गया, जबकि यहाँ पर निहाल बच्चे वन क्लास से लेकर फोर्थ क्लास के बच्चे शिक्षा ग्रहण तो सरकार को और ग्रामीण जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस बात की नजर डालने की जरूरत है। अब मैं प्राइमरी स्कूल के थ्री और फोर्थ क्लास में मौजूद हूं, देख ले यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद है, इनसे भी जाने का कोशिश करेंगे सरकार का जो रोम से शिक्षा पद्धति को लेकर कितना कारगर साबित हो रहा है। सबसे पहले ये बताया कि पढ़ाई को लेकर शिक्षा को लेकर सरकार का जो रोम चलाया जाए, पद्धति में बदलाव आए, इसको लेकर क्या की गई शिक्षा जो बच्चों को देनी है, क्या यहाँ मिल रहा? मिल रहा। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे 36 बच्चे हैं टोटल विद्यालय में। कौन सा क्लास से लेके कौन सा? 1 से 5। 36 बच्चे हैं। 36 बच्चे हैं, दो टीचर हैं। सर बिल्डिंग के क्या हालात है? बिल्डिंग ठीक है। सर ये जानना चाहेंगे आप जिस क्लास में क्लास ले रहे हैं ये कौन सी क्लास है? ये 4-5 है सर। पूरी तरीके से अगर पक्का की बात करें तो पूरा जमीन सब खराब हुआ है, आगे जो क्लास है पूरा दीवार पे दरार पड़ा हुआ, पूरा प्लास्टर टूटा हुआ, जिसको अगर लाल बच्चे बैठे हैं तो उसका रिपेयरिंग का है, तो हम लोग रिपेयरिंग कॉस्ट है, हम लोग शायद कम होगा, हर्ड का इंतजार है, मतलब बिल्डिंग में रिपेयरिंग काम खो जा रहा है। कुछ बच्चे हैं सर, ये प्रिंसिपल थे, इन्होंने कहा कि बिल्डिंग में स्थिति दयनीय होते जा रही है, लेकिन आप देख ले मैं कैमरे माध्यम से दिखाऊंगा, यहाँ पर देख ले 4 दीवारें निर्माण कार्य यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से सरकार के द्वारा किया जा रहा है, देख ले लगातार इस विद्यालय में बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है, गेट विद्यालय में नहीं है, चापाकल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन सभी की स्थिति बहुत अच्छी बयान नहीं कर रही है। सीधा तौर पर बिल्डिंग के हालात के बाद में कैबिनेट माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखिए प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है, और नीचे का स्तर आप पहले जमीन को देखें, जमीन पूरी तरीके से टूटना फूटना शुरू हो गया है, और आप स्कूल में रख रखाव भी देखिए किस तरीके से रख रखाव दिख रहा, बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हालांकि प्रिंसिपल ने भी कहा कि जो स्थिति है स्कूल की ठीक नहीं है, बिल्डिंग जो है अब पूरी तरीके से रिपेयरिंग के मोड में है, रिपेयरिंग चल रहा है। अब ये बताओ किस बात की स्थिति है, क्या नाम है? रागनी कुमार सर जो आते हैं पढ़ाई की है, चलिए रागनी कुमार ये फोर्थ क्लास की बच्ची है, उसमें पढ़ाई हो रही है, कुछ और बच्चे हैं इनसे ना रहे हैं, और ये बताओ यहाँ पढ़ाई कुछ है स्कूल का, किस बात करते हो पढ़ाई, क्या नाम है, क्या पढ़ रहे हो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, फरवरी का आता है 19 का फरवरी का, इंग्लिश की पढ़ाई होती है फरवरी को, तो इंग्लिश जनवरी को, तो संडे को रहता है, बताओ फिर से बताओ संडे, आपने सुना ये बच्चे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उच्च स्तरीय जो शिक्षा पद्धति लागू की गई है, शिक्षा में जो बदलाव आया है, इस विद्यालय की बात करें तो इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर काफी नीचे स्तर का देखा जा रहा है, बच्चों में वो क्वालिटी यहाँ पर नहीं देखी जा रही,
जबकि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छे डिजिटल क्लास देने की बात कही जाती है और सरकार के द्वारा लगातार लंबे लंबे वादे भी किए जा रहे हैं कि बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, लेकिन भरकुंडा नीचे डोड़ा के जो विद्यालय है ये विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा का गुण कहीं से नजर नहीं आ रहा। हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि जो सरकार की पद्धति चलाई जा रही है इस विद्यालय में बच्चों को हर तरह की सुविधाएं, बच्चों को हर तरह का ज्ञान दी जा रही है, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं होता है, कैमरे में कुछ और बयान हो रहा है। उत्कर्मित मध्य विद्यालय उन्हें जो है 2 और 3 क्लास में मौजूद आप देख ले, सबसे पहले आप बोर्ड देख ले, बोर्ड में मैडम जो क्लास टीचर है 2 क्लास की, यहाँ बच्चों को बोर्ड में लिख कर आई एक खबर, अभी खबर दिल्ली से आई है, मक्खी रानी उसको लाई, टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता था बेचारा घुस बैठ मटके के अंदर, उन्हें देखकर हाथी रोया, रोते रोते हुआ सोया। आप देख ले बच्चों को शिक्षा को लेकर मैडम के द्वारा यह लेख लिखा गया है और बच्चों को इसकी जानकारी दी रही है। मैडम आप बताए बच्चों को किस तरह से बात है बच्चों को आपसे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो टैबलेट आप नन्हे बच्चे हैं, इन बच्चों को मैडम के द्वारा पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से लगातार शिक्षा देने की बात कही जा रही है, जिससे बच्चे काफी आसानी से सीख सके, इसलिए मैडम के द्वारा गाना गाकर गुनगुना कर और जहाँ शिक्षा दिया जा रहा है। इस्लाम छोटी मैडम क्या बताइए क्या बताइए खड़े हो गया तुम बताए क्या मैडम क्या बताइए क्या पढ़ने का आई आई एक खबर पढ़ा दी आपने सीखा आपको आता है बताओ चलो ये बच्ची को भी वो मैडम के द्वारा जो बंदना यहाँ सिखाया जा रहा है मैडम काफी अच्छी तरीके से बच्चों को यहाँ और आने का काम कर रही है, लेकिन संसाधन की बात करें तो संसाधन की कमी इस विद्यालय में घोर है। आप ये बताओ कहाँ जाते हो पानी पानी कहाँ से लाते हो झारखंड से लाते हो स्कूल में है पानी पानी की बोतल कहाँ से लाते हो पानी स्कूल में है पानी की व्यवस्था की बात करें तो स्कूल में बेहतर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कॉन्क्रीट एरिया है, पानी के लिए कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रिंसिपल के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर संसाधन की बहुत किल्लत देखी जा रही है, शिक्षक तक यहाँ पर नहीं, सरकारी टीचर मात्र एक है और प्राइवेट पार्क की बात करें तो पार्क टीचर 4 है। साथ ही साथ संसाधन की बहुत यहाँ पर अनियमितता देखने को मिल रही है, सरकार द्वारा लगातार लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं कि बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी स्कूल में दी जाएगी। आप देख ले मैं विद्यालय की बात करूँ तो विद्यालय के रखरखाव की बात करें तो आप कैमरे के माध्यम से यह स्थिति देख ले पूरी तरीका से बिल्डिंग जो है दरदराया हुआ है, कह सकते हैं कि पूरी तरीका से विद्यालय क्षतिग्रस्त है हो रहा है और बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे निहाल बच्चे जो है वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को रामगढ़ जिला प्रशासन को इस बच्चे के बारे में इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना होगा, कभी भी ये सब जो स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय की कितनी कारगर व्यवस्था इसको भी लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख ले हमारे सामने घर में टॉयलेट है और बॉय टॉयलेट यहाँ पर है और दोनों की स्थिति जो है काफी खराब है, आप देख सकते हो। मैं कैमरे के माध्यम से यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि गंदा है इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरी तरीके से गंदगी का अंबार पड़ा हुआ, पानी की भी यहाँ पर बहुत किल्लत है, वाई की शौचालय है आप देख ले, यहाँ भी आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं
और मैं सबसे पहले ऊपर दिखाऊंगा ये बॉय का शौचालय है, आप देख ले ये बॉय का शौचालय है, लेकिन शौचालय की स्थिति की बात करें तो यहाँ भी गंदगी का अपार लगा हुआ है। कुछ बच्चे हैं, बच्चे से बात करते हैं। बाबू ये बताओ यहाँ पर सफाई नहीं होता है क्या? नहीं होता अब नहीं, फिर कौन करता है साफ सफाई? कहाँ की लड़की? एक क्लास की दीदी लोग सफाई कर्मचारी नहीं है, नया बच्चे, लेकिन दीदी लोग क्लास में मतलब शौचालय साफ करती है। किस क्लास में है? पानी की व्यवस्था है यहाँ पर? पीने का पानी के कहाँ जाते हो? किचन के पास में स्कूल का पानी है, कहीं और से आता है? स्कूल में मिलता है पानी? पानी है यहाँ पर? फ्रीजर लगा, अभी चल रहा है फ्रीजर? कल टूटा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में है? यह फाइव क्लास का बच्चा है। इसने कहा कि सरकार के द्वारा सभी तरह के साधन यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन शौचालय की भी बात करें तो शौचालय की भी जो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। स्कूली बच्चे के द्वारा ही साफ सफाई की जाती है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हालांकि प्रिंसिपल ने यह पहले ही कह दिया है कि विद्यालय में सभी चीज का संसाधन की घोर कमी है, शिक्षक से लेकर सफाई कर्मचारी लिपिक तक की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्राइवेट की तर्ज पे सरकारी विद्यालय में भी हर तरह की सुविधा दी जाएगी, लेकिन वह सफेद हाथी साबित होता नजर आ रहा है। यहाँ तक की बात करें, भुरकुंडा उत्कर्मित विद्यालय की बात करें तो यहाँ की जो शौचालय की स्थिति है काफी खराब है, स्कूली बच्चे ही साफ सफाई शौचालय की करते हैं। ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को इस ओर आगे की दरकार है, जिससे बच्चों का जो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है या उज्ज्वल की ओर होता नजर आए। टीवी 45 के लिए मैं रामगढ़ से अनुज कुमार। शिक्षा झारखंड सरकार के द्वारा कितनी बेहतर झारखंड राज्य में दिया जा रहा है, इसको लेकर मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और मैं इस समय मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के पतासू प्रखंड के, यह सुबह के समय का यह दूसरा विद्यालय कैमरे के माध्यम से यह देख ले, उत्कर्मित मध्य विद्यालय भुरकुंडा। सबसे पहला मैंने भुरकुंडा के नीचे प्राइमरी स्कूल है, मैंने वहाँ का एडमिशन किया था, और सेकेंड फेज में मैंने उत्कर्मित मध्य विद्यालय भुरकुंडा का एडमिशन करा। और यहाँ पर किस तरह बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है उसको लेकर यहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से सीधा बात करने की कोशिश करें। सर, किस तरह का बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटी शिक्षा प्रदान की जाए? सरकार द्वारा जो भी फैसिलिटी दी जाती है, लगभग सभी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। जी हाँ। क्या अभाव? सबसे पहले तो शिक्षकों का अभाव है, कमरों का भी अभाव है, और कमरों, शिक्षकों और सफाई कर्मी नहीं है, और कार्यालय कार्यों को निपटाने के लिए लिपिक की अभाव है, जिसके कारण से हमको बहुत परेशानी होती है। लिपिकीय कार्य भी करना पड़ता है और शिक्षक का भी काम करना पड़ता है, प्रधान अध्यापक का भी जिम्मेवारी हमको निभाना पड़ता है। इस तरह से हमको ना शिक्षक का काम पूर्ण रूप से कर पाते हैं और ना ही प्रधानाध्यापक का काम पूर्ण रूप से कर पाते हैं। बहुत सारे कार्यों के लिए हमको ऑफिस वगैरह भी आना जाना पड़ता है। विद्यालय में बच्चों को किताब वगैरह मिलती है, उसको भी लाना पड़ता है, चावल भी लाना पड़ता है। इस तरह से हमको बहुत परेशानी होती है अकेले। सर, ये जानना चाहेंगे क्योंकि यह उत्कर्मित मध्य विद्यालय गुंडा 1 क्लास से लेकर 8 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर कितने सरकारी टीचर और कितने पारा टीचर हैं? वर्तमान में 1 सरकारी शिक्षक हैं और 4 पारा शिक्षक। बच्चे की संख्या क्या है? बच्चे की संख्या वर्तमान सत्र में 154 है। इससे पूर्व क्या थे? बच्चों की संख्या इसके पिछले सत्र में 184 था, उसके पिछले सत्र में 204 था। बच्चों की संख्या घट रही है, बढ़ रही है? बच्चों की संख्या घटने के पीछे कारण है कि सेशन सरकार द्वारा जो अनियमित कर दिया गया है, जैसे जनरल सेशन होता है आपका मार्च टू
मार्च सेशन इंड होता है, लेकिन अभी कोरोना काल में जैसे विद्यालय पूरा नहीं चला, जिसके कारण से दो तीन साल सेशन से सेशन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में कंफ्यूजन होता है कि नामांकित कब करें नहीं करें, और इस तरह से प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। हम लोग का सेशन अभी वर्तमान में जुलाई से शुरू हुआ है। सर, ये जानना चाहेंगे, सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा को स्मार्ट क्लास पर ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या आपके यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है? जी हाँ, एक स्मार्ट क्लास अभी संचालित है। सुना आपने भकुंडा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भकुंडा में बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर डिजिटल क्लास की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं आपको ले चलता हूँ डिजिटल क्लास की ओर और दिखाने का कोशिश करता हूँ क्या हालात बनी हुई है। आप देख सकते हैं विद्यालय में किस तरीके से बच्चों को स्मार्ट क्लास की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, बच्चों को अच्छे शिक्षा कैसे देने इसको लेकर सरकार के द्वारा डिजिटल पढ़ाई की शुरुआत की गई। आप देख रहे बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है, टीवी स्क्रीन लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि बच्चों को हर तरह से यहाँ पर शिक्षा देनी है। और बात करें जिस तरह का आज का दौर चल रहा है, डिजिटल का दौर है, तो ऐसे में बच्चों को भी हाईटेक होना बेहद जरूरी है। इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा एक डिजिटल क्लास की व्यवस्था की गई है और बच्चों को अच्छी शिक्षा को लेकर कहीं तक पहुंच भी की जा रही है। इस बात की जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। अभी हम स्मार्ट क्लास दिखाया जा रहा है, लाभ और हानि का मैथमेन पढ़ाना है और इससे लेकर जो बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड जो बच्चे लोग हैं टीम के थ्रू देखते हैं सभी क्लास के बच्चों को। हाँ, एकदम खूब खेला। सुना आपने वन क्लास से एट क्लास के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय भकुंडा के, उन सभी बच्चों को स्मार्ट क्लास की जानकारी दी जा रही है। और बाबू ये बताओ, माफ करें, थ्री और फोर यहाँ पर छोड़ दो, बाकी जितने भी हाई सेकेंडरी क्लास है सबको जानकारी दी जा रही है। अभी बताओ किस तरह पढ़ाई होती है यहाँ पर, क्या जानकारी दी जा रही है? प्रतिदिन पढ़ाई होती है, कभी कभी प्रत्येक दिन होता है। क्या नाम है तुम्हारा? किस वर्ग का पढ़ती है? सेवन क्लास से। यहाँ पर हाईटेक बच्चे को शिक्षा को लेकर सरकार के द्वारा जो मापदंड तय किए गए इस विद्यालय में इसका नजर तो आ रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर टीचर के माध्यम से डिजिटल क्लास की पढ़ाई की जाए। लेकिन अब सबसे पहले ये देख ले, शिक्षक का ये जो बैठने का कुर्सी है, आप देख ले किस तरीके से कंटम पड़ा हुआ है। सरकार को रिसोर्स भी ध्यान देने की दरकार है, टीचर यहाँ पर बच्चे को उच्च स्तरीय शिक्षा देने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ पर काफी संसाधन का अभाव भी है। जबकि सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर कई योजनाएं बना रखी है और कई फंड भी निधन किए गए, लेकिन भकुंडा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर संसाधन की बहुत कमी है। शिक्षक की बात करें तो सरकार टीचर के मामले में अगर देखा जाए तो मात्र एक सरकार टीचर और चार प्राइवेट टीचर से इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ने लिया इशारा किया है कि इस विद्यालय में शिक्षक की अभाव है, लिपि की पूरी तरीके से यहाँ पर अभाव देखने को मिल रहा। अगर लिपि यहाँ पर मिल जाए तो प्रिंसिपल को जो कार्य करना पड़ता है वह लिपि के माध्यम से होगा और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों को यहाँ पर मध्यान्ह भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और देख ले, सबसे पहले मैं यहाँ पर रसोईया जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय का जो रसोई है जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, यहाँ पर रसोईया से जो लोग हैं इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सबसे पहले खाना हमें दिखा है, किस तरह का बच्चों को मध्यान्ह भोजन में खाना दिया जाता है। आज गुरुवार का दिन आप देख ले, पूरी तरीके से चावल कम्प्लीट चावल आज बच्चों को दिया जाएगा। चावल के साथ में क्या दिया जा रहा है ये भी जान लेते हैं। चावल के साथ में उठा के दिखाएं इसको, आप देख ले दाल भी जो है पूरी तरीका से यहाँ पर दाल तैयार है। चावल दाल और दाल के साथ दिया जा रहा बच्चों को। आप देख ले यहाँ पर सोयाबीन मिला हुआ पटल या कद्दू का यहाँ पर सब्जी है। तो खाना की बात करें तो पौष्टिक खाना यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है। और मैडम ये जानना चाहेंगे बच्चों को किस तरह खाना दिया जाता है यहाँ पर? मेनू के आधार पे क्या क्या मेनू है यहाँ पर? मंडे को है दाल चावल सब्जी साथ में एक अंडा, और मंगलवार को है दाल चावल सब्जी चना आलू का सब्जी, बुधवार को है सोयाबीन आलू का सब्जी दाल चावल, और गुरुवार को दाल सहारा सब्जी उसमें, और शुक्रवार को है दाल चावल सब्जी उसमें। कितने लोग बनाते हैं आप? कितने बच्चे खाना बनाते हैं प्रतिदिन? 150 150 बच्चों का खाना इनके द्वारा बनाया जाता है।
और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आग में तपती है, उसके बाद खाना तैयार होता है, कोयला और गैस का प्रयोग करके इन शेल्टर द्वारा यहाँ पर खाना बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। और इनकी क्या हालात है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। आपने बताया क्या पगार मिलता है आपको? 2000। कितने घंटा काम करती है? 3 घंटा। कितने लोग हैं? 6 से 10, 10:30, 11 कितने लोग हैं? 4 लोग। तो 4 लोगों को 2000 मिलता है, पैसा हर माह मिलता है ना? तो मंथली ऐसे 6 महीना, कभी साल भर हो गया, कभी 2 महीना कर दिया, तो 6 महीना का पेमेंट है तो 2 महीना कर दिया, या तो फिर नहीं भी दिया, 1 महीना कर दिया वैसे। क्या समिति है आप लोग का? मिड डे मील। अगर बात करें तो झारखंड के रामगढ़ की बात करें तो मिड डे में जितने भी यहाँ पर रसोईया लोग हैं उनकी स्थिति काफी खराब है। इन बच्चों जो सरकारी विद्यालय के बच्चों उन लोगों के लिए ये बहने जो है माताएं जो है खाना तैयार करती है, लेकिन इनके साथ में जिला प्रशासन झारखंड सरकार लगातार शौचालय व्यवहार करते हैं। एक तो मानदेय कम है और मानदेय के साथ में 2000 रुपए इन्हें मंथली दिया जाता है, और कभी कभी इनके साथ में ऐसा होता है 6-6 महीना तक सैलरी इनको नहीं मिलती, घर चलाने के लिए भी कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता। पढ़ते दिन अपने घर में काम करने विद्यालय आते हैं और विद्यालय में बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन स्कूल की बात करें तो यहाँ पर इन्हें पगार जो मिलनी चाहिए मंथली पगार वह भी नहीं मिल पाता है। इनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जो सैलरी मापदंड यहाँ पर तय की गई है 2000 रुपये भी तय किया गया वह 6-6 महीना पे आता है, और 6 महीना हो जाने पर मात्र 2 महीना का कभी 1 महीना का पैसा मिलता, बाकी पैसा बकाया का ही बकाया रह जाता है। इनसे जानते क्या हालात होती है घर को चलाने में, क्या दिक्कत होती है, कैसे मेंटेन करते हैं? एक्स्ट्रा काम करके। सुना सरकार के बदौलत तो इनका घर नहीं चलता है, ये स्कूल के बाद खाना बनाने के बाद जब बच्चों का छुट्टी हो जाता है सामने खाना खिला लेते हैं, उसके बाद ये भरकुंडा जैसे शहरों पे या प्राइवेट काम करते तब इनका घर चलता है। सरकार को, रामगढ़ जिला प्रशासन को इस पर एक बार और शिक्षा विभाग को एक बार नजर दौड़ाने की जरूरत है, जिससे इन लोगों का पगार सही समय पे मिल जाए, जिससे इनका घर परिवार और बच्चों का लालन पालन सही तरीके से हो सके। रामगढ़ से मैं TV45 के लिए अनुज कुमार।